किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे मथुरा, जहां मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। करवा सकता है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा भारत सरकार की एसईसीसी की सर्वे के अनुसार उन सभी कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है जो अपना आयुष्मान का कार्ड बनवा लेते हैं। छूटे हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस योजना को 5 लाख रुपए का कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया और प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद की है। सरकारी हॉस्पिटल जो सेवा कर रहे हैं वो अलग है, चैरिटी हॉस्पिटल जो कर रहे हैं वो अलग है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा हम देते हैं वो अलग है, लेकिन जब इस प्रकार के चैरिटी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में भी अपने को वहां पे इंडोर कराते हैं तो शासन की इन सुविधाओं के साथ सीधे जुड़ जाता है। 5 लाख का कार्ड अगर किसी के पास है तो 8,000 रुपए में पेट स्कैन कराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आए रजिस्ट्रेशन कराया और कार्ड से सीधे पैसा उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगे, एक कॉमन मैन को इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी और आज के समय में जो वास्तव में हम सबके लिए चिंता का विषय है वह बीमारियां बढ़ी है लेकिन उसके साथ सरकार ने भी अपनी सुविधाएं बढ़ाई है। आज से 6 वर्ष पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना एक बहुत कठिन चुनौती थी, लोगों को दूर जाना होता था। उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में हम लोग अब तक डायलिसिस की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं जिला स्तर पर। लगातार इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा हम देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है तो सुदूर गांवों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य की वहां पर परामर्श की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वर्तमान में कराई जा रही है। इसमें अगर धर्मार्थ संस्थाएं भी आती हैं और उन धर्मार्थ संस्थाओं को योगदान देने के लिए सीएसआर की राशि का बेहतरीन उपयोग इन सभी कार्यों के लिए हो सकता है तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक हम निवेश भी करें और सीएसआर की धनराशि का उपयोग भी करें तो इस सुविधा को और बेहतरीन करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में हुए प्रयासों के कुछ परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर लगातार इसको नियंत्रित किया गया है, नेशनल एवरेज के समकक्ष हम लाने में उसे सफल हुए हैं। हमें उससे और भी अच्छा करना है, इसके लिए निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए और उन प्रयासों के क्रम में आज यहां पर रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल के माध्यम से जो सुविधाएं यहां पे विगत कई दशकों से उपलब्ध करवाई जा रही है, कोरोना कालखंड में इस हॉस्पिटल ने इस वृद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। उस दौरान मुझे भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन के हमारे पूज्य संतजन, पूज्य सन्यासी
ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सेवा के इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। महिंद्रा कोटक को सीएसआर की निधि के इस बेहतरीन उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में योगदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न अन्य प्रकार की अपनी रचनात्मक गतिविधियों और सीडी विषय को बेहतरीन करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि अन्य वित्तीय संस्थान, अन्य औद्योगिक संस्थान सीएसआर की अपनी राशि का बेहतरीन उपयोग करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल और इससे जुड़े हुए सभी संस्थानों को पेट स्कैन मशीन उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई देता हूं। 125 वर्ष की शानदार यात्रा के हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह यात्रा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा और उनके आदर्शों के अनुरूप एक निरंतरता को प्राप्त करेगी। राज्य शासन की ओर से मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के हर प्रकार का सहयोग आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप